Assalamu alaikum. In this video, I'm going to tell you about the anterior abdominal wall general aspects and some divisions or peritoneum ka introduction. Then let us see what happens. Actually, हमारे पास क्या है कि anterior abdominal wall जो आपकी extend करती है just below your thoracic cage, यहाँ पर आपका thoracic cage ख़त्म होता है, up to the inguinal ligament, जहाँ से नीचे आपका lower limb start हो जाता है. ठीक है, inguinal ligament से नीचे आपका lower limb start होता है. So ये anterior abdominal wall है हमारी सारी की सारी. ये एब्डोमेन है एक्चुअली, और इसकी जो इंटीरियर वॉल है जो हमें नज़र आती है, दैट इज़ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए इस इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को 9 रीजन्स में डिवाइड करते हैं. दो वर्ड इस तरह, जिस तरह हम वो टिक क्रॉस खेलते होते हैं ना, ऐसे करके यहाँ टिक तो यहाँ क्रॉस, इसी तरह की लाइन्स हम इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के ऊपर ड्रॉ करते हैं, और उसके ज़रिए हम इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को, या फिर अपने एब्डोमेन को, नॉट इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमेन को हम 9 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, ताकि जब कभी किसी जगह का पेन हो तो डॉक्टर्स के लिए लोकलाइज करना उसे आसान हो. सपोज पेशेंट के कि मुझे यहाँ पर पेन है, तो उन्हें पता हो कि जी ये राइट इलिक फॉसा का पेन है, अपेंडिक्स का पेन हो सकता है, क्योंकि पता होता है कि इस ये जो 9 प्लेन्स में डिवाइड करते हैं, 9 पोर्शन में, कि इस पोर्शन में ये ऑर्गन है, इस पोर्शन में ये ऑर्गन, इस पोर्शन में ये ऑर्गन, ये पता होना चाहिए आप लोगों को. सो हमारे पास 9 प्लेन्स की लाइन पहले हम कैसे ड्रॉ करते हैं. वी नो कि हमारे पास यहाँ पर है जी आपका वो जो ख़त्म हो रही है रिब्स का लोअर पोर्शन है, यहाँ पर आपके पास जीफी स्टर्नल प्रोसेस है. ठीक है, ये हमारे पास ऐसे नीचे नीचे एब्डोमेन स्टार्ट होता है. तो पहली लाइन जो हम पहले हम दो ट्रांसवर्स लाइन की बात करेंगे, फिर वर्टिकल की बात करेंगे. तो जो पहली ट्रांसवर्स लाइन आप ड्रॉ करते हैं इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन, वो आप किस तरह ड्रॉ करते हैं, ऊपर जहाँ से आपका स्टर्नम शुरू हो रहा था, तो स्टर्नम और मैनुब्रियम के दरमियान में जो जॉइंट था, उसे हमने कहा था सुप्रा स्टर्नल लॉच, वहाँ पर बनती थी ये जॉइंट था. इससे जो मैनुब्रियम ऑफ द स्टर्नम था, इससे ऊपर जो आपकी डिप्रेशन होती थी, उसे हमने कहा था सुप्रा स्टर्नल लॉच. तो वो जो मैनुब्रियम के ऊपर वाली डिप्रेशन है, जो सुप्रा स्टर्नल लॉच है, एक पॉइंट हम वहाँ लेते हैं, दूसरा पॉइंट हम लेते हैं एग्जैक्टली एट द प्यूबिक सिम्फिसिस जो यहाँ पर लोकेटेड है. इन दोनों के एग्जैक्टली मिड पॉइंट हम लेते हैं. सपोज इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ पर है. ये मिड पॉइंट जो होता है, अगर ज़्यादा आसानी की जाए, तो ये जो आपको जीफी स्टर्नल जॉइंट नज़र आ रहा है ना, स्टर्नम और जीफाइड प्रोसेस का जो जॉइंट होता है, इससे एक हैंड ब्रेड्थ नीचे होता है. अगर हम इस जॉइंट के नीचे पूरा अपना हाथ रखें जीफी स्टर्नल जॉइंट के, तो एक हैंड ब्रेड्थ नीचे ये वाला पॉइंट लाई करता है, विच इज़ बिटवीन द सुप्रा स्टर्नल नॉच अबव एंड द प्यूबिक सिम्फिसिस बिलो. तो इन दोनों का मिड पॉइंट होता है. यहाँ पर हम पहली लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, उसे हम कहते हैं ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ऐसे करके. ठीक है, ये हमारे पास पहली लाइन होगी ट्रांसपाइलोरिक प्लेन. दूसरी लाइन हमने ड्रॉ करनी है, आपने आपको पता होगा कि यहाँ साइड पे हमारी पड़ी होती है हिप बोन, और हिप बोन का इलिक क्रेस्ट होता है यहाँ दोनों साइड्स पे आ रहा होता है. एंड यू नो हमने जब हिप बोन पड़ी थी, वी न्यू के इलिक क्रेस्ट के ऊपर वी हैव अ इलिक ट्यूबर्कल. तो वो जो इलिक ट्यूबर्कल है राइट साइड का, और इलिक ट्यूबर्कल है लेफ्ट साइड का ऑन द इलिक फॉसा, उन दोनों को ज्वाइन करके हम दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन अपना ड्रॉ करते हैं. ये हमारे हो गए दो हॉरिजॉन्टल प्लेन. वैसे मैंने तो बहुत ही एसिमेट्रिकल से ड्रॉ किए हैं, इस तरह के नहीं होते, ज़रा करीबी होते हैं जैसे यहाँ पर बने हुए हैं. देन हमारे पास आ जाती हैं दो वर्टिकल लाइंस. वर्टिकल लाइंस हमने कैसे ड्रॉ करनी है, ऊपर से जो मिड क्लेविकुलर पोर्शन है, जो क्लेविकल आपकी बोन है यहाँ पर पड़ी हुई, उसका जो मिड पोर्शन है वहाँ से आपने स्टार्ट करना है, और नीचे मिड इंग्वाइनल पोर्शन तक उसे लेके आना है. दोनों एक लाइन में होते हैं, ये मिड क्लेविकुलर पोर्शन से मिड इंग्वाइनल पोर्शन, राइट साइड पे भी मिड क्लेविकुलर पोर्शन से मिड इंग्वाइनल पोर्शन, लेफ्ट साइड पे भी. दरमियान में जब ये पास करेगी, तो ये 9th रिब की बिल्कुल जो टिप होती है वहाँ से पास करता है. सो इस तरह आपके जो एब्डोमेन होता है, उसे आपने 9 रीजन्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 में डिवाइड कर लिया होता है. ठीक है, मैंने कहा इतने सिमेट्रिकल नहीं बनते, बड़े अच्छे से बनते हैं, मेरी डायग्राम ज़रा ख़राब है, सो डोंट माइंड. फिर हमारे पास इन रीजन्स को हम नाम देते हैं सारे रीजन्स को. पहले हम दरमियान वाले रीजन्स की, इन तीनों की मैं बात करूँगी, फिर साइड वाले की बात करते हैं. दरमियान में ऊपर की तरफ हमारे पास जो फर्स्ट होता है, इसे हम कहते हैं एपिगैस्ट्रियम, क्योंकि यहाँ स्टमक को गैस्ट्रिक से रिलेटेड किया जाता है ना, तो क्योंकि यहाँ पर स्टमक से रिलेशन पोर्शन है, तो इसे हम कहते हैं एपिगैस्ट्रियम. दरमियान में क्योंकि यहाँ पर हमारा अम्ब्लाइकस होता है, इसे हम कहते हैं अम्ब्लाइकल रीजन, और नीचे वाले इसको कहते हैं हम हाइपोगैस्ट्रियम. तो एपिगैस्ट्रियम, अम्ब्लाइकल रीजन, हाइपोगैस्ट्रियम, वेरी सिंपल. देन राइट एंड लेफ्ट साइड पर जो तीन तीन हमारे आते हैं, उन दोनों के नाम सेम है, सिर्फ एक को हम राइट साइड साथ लगा दें, के साथ हम लेफ्ट साइड लगा देंगे. सो इधर ऊपर जो हमारे पास पोर्शन है, सबसे पहले इसका नाम है हाइपोकॉन्ड्रियम, फिर लंबर रीजन, फिर इलिक फॉसा. तो इस साइड पे अगर हमारे पास होगा, तो हम इसे कहेंगे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट लंबर रीजन, लेफ्ट इलिक फॉसा. क्योंकि इलिक फॉसा इधर, क्योंकि इलिक फॉसा के अंदर लाइक आ रहा है, लंबर रीजन इसे क्योंकि यहाँ पर लंबर वर्टेब्रा है, और ये हाइपोकॉन्ड्रियम. इसी तरह राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर रीजन, राइट इलिक फॉसा. तो ये आपके 9 कंपार्टमेंट्स हो गए. दरमियान में था एपिगैस्ट्रियम, अम्ब्लाइकस, हाइपोगैस्ट्रियम, देन हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट एंड राइट साइड का, लेफ्ट एंड राइट साइड का लंबर रीजन, लेफ्ट एंड राइट साइड का इलिक फॉसा. 9 कंपार्टमेंट्स फॉर इजीनेस.
देन हमारे पास हम बात करते हैं अब पेरिटोनियम की। बेसिकली आज मेरा टॉपिक पेरिटोनियम का है, तो मैं आपको अब पेरिटोनियम बताती हूँ। एक्चुअली पेरिटोनियम है क्या? हमारे पास स्किनो के सारे बाहर एंटी एब्डोमिनल वॉल को, सबसे पहले स्किन है, फिर सुपरफिशियल फेशिया है, फिर डीप फेशिया कवर कर रहा है, और उसके बाद जो है हमारे पास आ जाते हैं सारे मसल्स आ जाते हैं। मसल्स के बाद आफ्टर द मसल्स एक बैलून की तरह की एक लेयर थी, बिल्कुल जैसे एक बैलून होता है। सपोज मेरे पास एक बैलून है, ठीक है, ये वो जगह जहाँ से बैलून, हमने इसको पक्का टाई कर दिया भरा हुए। अब हुआ क्या कि जितने सारे विस्टराज हैं, अब ये सारी इधर वॉल में हमारी एब्डोमेन के अंदर ये पड़ा हुआ था बैलून, जितने विस्टराज हैं, विस्टराज में क्या क्या आएगा, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टिन, स्मॉल इंटेस्टिन, लिवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, किडनीज, ये सब कुछ इन्होंने इस बैलून के अंदर इधर से इन्वेजिनेशन स्टार्ट की। अंदर पेनिट्रेट नहीं किया, उसकी वॉल को डिस्टॉर्ट किया। जब ये सारे इस तरफ से इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो बैलून की शेप ऐसे होना शुरू होगी। पहले बैलून की शेप ऐसे हुई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑर्गन जाना शुरू होगी। सपोज ये स्टमक था, यहाँ पर किडनी ने कहा मैं आऊँगी। जब इन्होंने हर तरफ से, ऊपर से भी ऑर्गन आए, नीचे से भी आए, अंदर इसके नहीं गए, दो लेयर्स उसकी मेंटेन रहेंगी, बैलून बंद था, क्योंकि हर तरफ से इसके अंदर इमेजिनेट करना शुरू किया, तो बैलून हमारा बड़ा फ्लेक्सिबल सा था। उस बैलून ने इनको किसी ऑर्गन को ऊपर से रैप किया ऐसे करके, मतलब किसी ऑर्गन के वो ऊपर आ गया, किसी के बीच में आ गया, किसी ऑर्गन के वो पीछे की तरफ भी उससे कवर कर लिया, लेकिन किसी ऑर्गन को पीछे से छोड़ दिया। इस तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर सा बन गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है विच इज़ अ बैलून जिसके अंदर सारे ऑर्गन एम्बेड हो गए, दिस इज़ नॉन एज पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के अंदर सारे ऑर्गन्स कवर्ड होते हैं, कुछ पूरे कवर्ड होते हैं पेरिटोनियम से, कुछ आधे कवर्ड होते हैं, कुछ बिल्कुल भी कवर्ड नहीं होते। तो इस तरह से हमारे पास सारा स्ट्रक्चर चलता है। अभी पेरिटोनियम जो है, अगर हम इसकी डिटेल में जाएँ थोड़ा सा, तो पेरिटोनियम की दो लेयर्स होती हैं। जिस तरह मैंने कहा ऐसे पूरा बैलून था, तो बैलून की एक ये लेयर है, एक ये वाली साइड है। अब जो लेयर इस पेरिटोनियम की बाहर वाली है, सेम उसी तरह उसे पैराइटल लेयर कहेंगे, जो कि वॉल ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल या पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को लाइन कर रही है। और जो लेयर इसकी अंदर वाली है, ये वाली जो विस्टराज के साथ इन कॉन्टैक्ट है, उसे हम विस्टरल लेयर कहेंगे, क्योंकि सारी विस्टरा के साथ पक्की एडहेरेंट है। फिर इन दोनों के दरमियान में जो कैविटी है, जब बैलून पूरा था, आपको पता है कैविटी और स्पेस में डिफरेंस होता है। कोई भी चीज़ को कैविटी हम तब कहते हैं जब वो बहुत बड़ी सी हो, और स्पेस हम किसी भी छोटी सी चीज़ को भी कह देते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ।